की तलाश में हम मौत के कितना पास आ गए। कितना रिलीवेंट है ये सॉन्ग, हालांकि ये बॉलीवुड की एक मूवी का एक हिंदी गीत है, और ये जिस कंटेक्स्ट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट हाउ टू अवॉइड दी टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फूड, ये इस कंटेक्स्ट में कितना सही है कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी और आ कहाँ गए हैं, तो आज यही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। मेरे साथ मैं हूं डॉक्टर इरफान खान, और आप देख रहे हैं ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो बने रहिए, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और ये सिर्फ नॉलेजेबल नहीं है, आई वुड से कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बल्कि ये आपकी लाइफ के लिए है, दैट हाउ टू अवॉइड दिस टॉक्सिक एंड दिस यू नो दिस नॉन ट्रीटेबल नॉन क्योरेबल डिजीजेस। जैसा कि आपने फुटेज में देखा, स्टार्टिंग में वीडियो फुटेज में, कि किस तरीके से किन किन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कैंसर इज़ वन ऑफ देम, कैंसर उनमें से एक है, उनमें से जितनी भी आपकी जो सीरियस इलनेस हैं, किडनी फेलियर से रिलेटेड, लीवर फेलियर से रिलेटेड, और आपके जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं सारे के सारे जुड़ी हुई हैं पेस्टिसाइड से। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजीज़ हैं जो, और ये डिजीज़ ऐसी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेज पर अगर ये डिटेक्ट, जैसे कैंसर की बात कर लें, अगर पहली वाली स्टेज पर कैंसर को डिटेक्ट कर पाते हैं, तब तो इन मैनी ऑफ द केसेस ये क्योरेबल है, ये इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन इत्तेफाक से होता ये है कि उस पहली वाली स्टेज पर या इनिशियल स्टेजेस पर इसको फाइंड कर पाना, इसको रिकॉग्नाइज कर पाना, डिटेक्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आगे बने रहिए, बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी ज़िंदगी के लिए है। ये आपकी सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं that how to avoid the toxins from the vegetables, और इसमें हम लोग बात करेंगे problems के बारे में, जैसे कि general trend रहता है हमारा जो भी हम इस platform पर, जैसे कि मैं already आपको पिछले lectures में discuss किया है कि हमारा जो main focus है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे और लोग भी वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो ये है कि आपको सिर्फ न कि अवेयर करना उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, टेक्निक के बारे में बताना, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए है यार। बेसिक सी बात यह है कि वो है ना कि जान है तो जहान है, अगर ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या कर लोगे, है ना। तो ज़िंदगी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर जान है तभी जहान है, ठीक है ना। तो ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, मेनली विद द रॉ मटेरियल्स, जो रॉ हमारी वेजिटेबल्स हैं उसके साथ में सबसे बड़ी समस्या आती है। जो बाकी की जो वेजिटेबल्स होते हैं, बाकी की जो सब्ज़ियाँ होती हैं, उसको हम पका लेते हैं, और किस किस तरीके से ये हमारी जो रिडक्शन करता है, जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे फूड की प्रोसेसिंग के, वो वॉशिंग हो गया, वो आपका बेसिक आपके जो वॉशिंग मेथड्स हो गए, कुकिंग हो गया, कुकिंग बाय डिफरेंट मेथड्स हो गया, स्टीम हीटिंग हो गया, ड्राई हीटिंग हो गया, वो एक अलग चीज़ है, हम बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में बात करेंगे इंडियन फूड कंसाइनमेंट, जो कि बहुत सारे पिछली तारीखों में, पिछले डेट्स में, अभी रिसेंट का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा जो रिजेक्ट हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि नंबर वन टीग, ये अभी लेटेस्ट डेटा है जो आप देख रहे हैं, ये जून 2022 का डेटा है, जो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चाय के उत्पादन में भारत जो है वो एक शीर्ष स्थान जो है वो रखता है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने पाया कि जो मैक्सिमम जो पेस्टिसाइड का रेजिडुअल लेवल है बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैंगो, बहुत सारे मैंगोज़ के, क्योंकि मैंगोज जो है वो मैंगो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है भारत के अंदर, तो ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बहुत सारे कंसाइनमेंट बहुत सारे कंट्रीज़ के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए, जस्ट बिकॉज कि मैक्सिमम जो रेजिडुअल लेवल जो अलाउ लिमिट थी उससे ज़्यादा पाया गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बासमती का रिजेक्शन एज़ पर दी ICRIER, जो अराउंड 444 इम्पोर्ट जो कैंसिल किए गए, ये US ने कैंसिल किए, रिजेक्शन किए, और ये 2014 से लेकर 2017 का डेटा है, आप देख सकते हैं। और नेपाल, इवन नेपाल ने भी जो है बहुत सारी चीज़ें नेपाल ने करीब 7 कंसाइनमेंट वेजिटेबल्स के जो है वो डिस्ट्रॉय किए जो भारत से गए थे, जस्ट बिकॉज उसमें जो पेस्टिसाइड का जो रेजिडी लेवल था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दैट इट शुड बी, जो मिनिमम होना चाहिए उससे ज़्यादा था।
और ऐसा नहीं है ये जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ इंडिया इंडिया के जितने कंसाइनमेंट्स के हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, वो बाकी दूसरे कंट्रीज़ ने रिजेक्ट किए हैं, बल्कि ये सारे का सारा जो देखो जो क्रॉप का पैटर्न है वो सेम है, जो क्रॉप की जो प्रैक्टिस है, जो फार्मिंग की प्रैक्टिस इंडिया में है वही थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती है। हल्का फुल्का दो तीन चीज़ें 5% 4% का टेक्नोलॉजी वाइज फ़र्क होता है, तो ये आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंडिया ऑल्सो रिजेक्ट्स फूड्स दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ईरान, और इंडिया ही नहीं बल्कि यूएस ने भी रिजेक्ट किया था इसको, क्योंकि जो इंडिया के जो मानक हैं, इंडिया का जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग इस फूड के अंदर जो ईरान से आया था इसमें जो रेजिडुअल लेवल था बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ी समस्या है, ये नेक्स्ट आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रेडर फियर एंड बासमती एक्सपोर्ट। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अब चूँकि जो फसल है, जो क्रॉप है, वो पेस्टिसाइड उसमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो बाकी सारे के सारे कंट्रीज़ को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब ये किसानों के लिए समस्या आ गई, क्योंकि किसान जो है बिना पेस्टिसाइड के क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि बिना पेस्टिसाइड के जो किसान है वो फसल को अपनी ग्रो नहीं करा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो बहुत बड़ी आपका बासमती का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट का शेयर होता है वो पंजाब और हरियाणा से आता है, और बाकी का जो 20% जो एक्सपोर्ट का शेयर होता है वो बाकी के दूसरे जो स्टेट्स हैं आपके, आपका यूपी हो गया या आपके जो निकटवर्ती जो दूसरे बिहार हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, यहाँ से आता है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये किसान इससे जूझ रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न रहता है, एक कंसर्न ये भी है कि डोमेस्टिक लेवल पर कोई भी चेक पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जो आपने देखा था कि किस तरीके से जो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुए हैं, मेरा सवाल अक्सर मैं ये सोचता रहता हूँ, हालांकि अब तो क्लियर है, पहले मैं सोचता था, उसका जवाब मुझे नहीं मिलता था, कि आखिर ये जो कंसाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं ये जाते कहाँ पे हैं, है ना। जैसे मैंगो का कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ तो कहाँ गया, अभी लेटेस्ट जो मैंने आपको दिखाया टी का जो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ ये कहाँ गया, आप समझ रहे हो ना, आप भी समझ रहे हो कहाँ गया है, वो सारा डोमेस्टिक मार्केट में फ्लो करा दिया गया, ठीक है। तो अगर बाहर की कंट्रीज़ में अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके तो मानक हैं, अगर उस पर खरा नहीं उतरेगा वो रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्शन चल रहा है। लेकिन क्या डोमेस्टिक लेवल पर इस तरीके का कोई एजेंसी है, सीधे सीधे जो हमारा अनाज है, हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, खेतों में पैदा हो रही हैं और लोकल मार्केट में, लोकल मंडीज में फ्लो करा दिया जा रहा है। अब जो चाय की जो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुए थे तो क्या किया होगा, आपको क्या लगता है, जो चाय के मालिक हैं उसने उस कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर बहा दिया होगा, क्या उसने फेंक दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। वो सारे के सारे कंसाइनमेंट कहाँ गए, वो सारे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में फ्लो करा दिए गए और हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो हमारे भारत के जो डिफरेंट जो भारत से कंसाइनमेंट गए हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के, दैट मे बी अ फ्रूट, दैट मे बी अ वेजिटेबल, जो हमने अभी अभी देखा, तो असल में ये सारे के सारे जो है वो कुछ केसेस में ये डम किए जाते हैं जब भारत सरकार का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ज़्यादातर केसेस में ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर केसेस में इसको क्या करते हैं, ये डोमेस्टिक मार्केट में फ्लो करा देते हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहता है कि उनका नुकसान हो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और चूँकि इस वजह से ये जो दिक्कत आई है सामने, इस वजह से दिक्कत ये हुई है क्योंकि किसानों पर प्रेशर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि किसानों का माल जो है, क्योंकि बासमती जैसे मैंने बात करी कि 80% जो बासमती है वो आपका पंजाब और हरियाणा से आता है, बाकी 20% दूसरे राज्यों से आता है। अब किसानों को प्रेशर ये है कि बिना पेस्टिसाइड के स्प्रे के, क्योंकि वो हाइब्रिड अडॉप्ट कर लिया है उन लोगों ने। मैं आपको पहले भी जो पिछले वीडियोस हैं उसमें ये बता चुका हूँ कि जो हाइब्रिड जो क्रॉप्स हैं, जो हाइब्रिड जो बीज हैं, वो दे आर वेरी मच प्रोन टुवर्ड्स द डिजीज़। तो बिना पेस्टिसाइड के स्प्रे के उनको ग्रो करा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो किसानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, है ना। तो बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत किसान परेशान है, क्योंकि अगर वो लगा रहे हैं तो उनका जो जो माल है वो रिजेक्ट हो जा रहा है ना। जो उनकी जो पेस्टिसाइड लिमिट है वो रेजिड्यू लेवल से, मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा पहुँच जा रही है ना। तो बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो एक बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत साल पहले एक शायर थे, उन्होंने बड़ा अच्छे शेर लिखा था कि जिस खेत से दहकान को मिलती नहीं रोज़ी, दहकान उर्दू में किसान को कहते हैं, जिस खेत से दहकान को मिलती नहीं रोज़ी, उस खेत के हर गोश आए गंदम को जला दूँ। मतलब जिस खेत से किसान को कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो क्या मतलब बनता है इसको ग्रो कराने का, क्या मतलब बनता है ऐसे खेत होने का, चाहे वो 50 बीघा हो या 100 बीघा हो, है ना। तो खैर ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आगे हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, ये आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे
जैसे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम आपका जो कंटेमिनेशन है वो सबसे कम है, दैट इज़ 19.5%, और जो सैंपल एमआरएल जो मैक्सिमम रेजिडिव लेवल से ऊंचे ज़्यादा पाए गए, अबव पाए गए, वो 1.4% है सिर्फ। जबकि कंपैरेटिवली आप यूपी में देखिए, उत्तर प्रदेश में और केरल में देखिए, क्या सारे के सारे सैंपल जो है कंटेमिनेटेड पाए गए, मतलब 100% सैंपल वर फाउंड कंटेमिनेटेड इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश और केरला के अंदर। और इनमें जो सैंपल एमआरएल से ऊपर पाए गए, मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल से ऊपर पाए गए, वो लगभग 50% के आसपास थे, मतलब 49.5% और यूपी में और करीब 52 के आसपास केरला के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पेस्टिसाइड का। और एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो हम पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लेक्चर्स इसी पर हुए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी फूड में फ्रूट्स के साथ और वेजिटेबल के साथ में। क्योंकि फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, फ्रूट्स को हम कुक करके नहीं खाते हैं जनरली, जो हमारे फ्रेश फ्रूट होते हैं उन फ्रेश फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे खा जाते हैं। और वेजिटेबल में कुछ वेजिटेबल ऐसी होती हैं जैसे कि खासकर से जो हमारी सैलड होती हैं, सैलड जो मटेरियल होता है, तो सैलड मटेरियल क्या करते हैं, लोग बड़े चाव से खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे देखा होता है ना पूरा ऐड, यूट्यूब पे ऐड देखा होता है कि भैया जितना ज़्यादा मतलब आपकी थाली का आधा हिस्सा मतलब ये होना चाहिए, डाइट्री फाइबर वाला होना चाहिए। तो भाई साहब डाइट्री फाइबर वाला होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी तो देखिए कि जो सैलड आप ले रहे हो, जो सैलड आप खा रहे हो, वो सैलड आपकी वो कैसी है, क्योंकि वो सारी की सारी जो है उसमें जो ग्रो किया गया है उस सैलड को, उस चाहे वो आपका टोमेटो हो सकता है, आपका चाहे कुकुम्बर है, वो सारा का सारा पेस्टिसाइड को डालकर ग्रो किया गया है ना। तो कभी भी ये एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ी एक सजेशन है आप सभी लोगों को, प्लीज़ आज के बाद कोई शादी में आप जाइएगा तो सैलड से, क्योंकि वो रॉ होती है, उसको जो है वो थर्मल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया होता है या कोई सा भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया होता है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है, अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, तो वो जो सलाद मिलती है आपको वो खाना छोड़ दो आप, क्योंकि आपको फाइबर मिलेगा और फाइबर के साथ में एसोसिएट होकर आपका क्या आएगा, पेस्टिसाइड आएगा है ना। जैसे मिलता है ना मार्केट के अंदर 2 लीटर के साथ में आधा लीटर फ्री है ना, तो वो वैसे भी चपक कर आएगा पेस्टिसाइड और आपका बैंड बजा देगा, मतलब आपका लीवर उड़ा देगा, किडनी उड़ा देगा, आपकी पूरी हेल्थ जो ख़राब कर देगा और आपको जो है उस कंडीशन में पहुँचा देगा जो स्टार्टिंग मैंने फुटेज आपको दिखाया था है ना, ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितना पास आ गए। तो बचिए और डरिए और बहुत सावधान रहिए, ठीक है, खाने के मामले में, ठीक है ना। तो बात करते हैं आखिर, ये तो सब समस्या की बात है, हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ना। तो सोल्यूशन हमारा जो है बेसिकली, वो बहुत सारे सोल्यूशन हैं, और दिक्कत हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रही है, जब हम रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फ्रूट हो गया या हमारा कोई वेजिटेबल हो गई, तब हमें दिक्कत आ रही है जब हम क्या कर रहे हैं, उसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब रॉ फॉर्म वाली चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए, उसमें से पेस्टिसाइड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कुछ मेथड्स हैं हमारे, जैसे टेक्नोलॉजिकल मेथड। आप देखो घर में तो आप अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड को रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, या कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते हो, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ख्याल के बाहर है। तो जो होम बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप घर पर कर सकते हो, वो वॉशिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। और वॉशिंग मेथड्स में जो हमारा जो मान लो फूड है, हमारा जो वेजिटेबल है या फ्रूट है, उसके सरफेस पर जो पेस्टिसाइड स्टिक्ड हैं, चिपकी हुई हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो उसमें कई सारे मेथड्स होते हैं हमारे वॉशिंग मेथड्स में, जैसे NaCO3 वॉशिंग विद दी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है ना। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारे जितनी भी पेस्टिसाइड्स होती हैं, खासकर से जो हमारी एसिडिक पेस्टिसाइड होती हैं, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ये क्या करता है, ये पीएच को एनहांस करता है, वो अभी बात करेंगे क्या क्या इसकी मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा ओजोन वॉशिंग। अब ओजोन वॉशिंग भी नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ओजोन आप घर पर ला ही नहीं सकते, या इस तरह की कोई आप जो सिस्टम जो बना ही नहीं सकते हैं कि आप उसको वॉश कर लें, तो ये भी जो है अल्टीमेटली जो पॉसिबल नहीं है। बट चूंकि वॉशिंग में है तो इसलिए बता दे रहे हैं। एक्टिव ऑक्सीजन वॉशिंग भी पॉसिबल नहीं है घर लेवल पर, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ पॉसिबल है, सो दैट इज़ दी वॉशिंग विद दी सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और ये एल्कलाइन मेथड्स बेसिकली एल्कलाइन वॉशिंग कहलाता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, हमारा एक एल्कलाइन जो है हमारा सब्सटेंस होता है, जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका पीएच क्या हो जाता है, 7 से ऊपर चला जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि आखिर कैसे ये करता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है ना। हम लोग क्या है आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना कि मतलब कि हेल्थ कॉन्शियसनेस वाला, और लोग जो है कंपैरेटिवली पहले से आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है। वो उल्टी सीधे प्रोडक्ट को रिलाई नहीं कर रहा हूँ, और डाइटरी फाइबर की बाढ़ आई हुई है। मतलब हर एक इंसान चाह रहा है कि फाइबर 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 फाइबर, लेकिन भैया फाइबर खाओ, है ना, फाइबर आप लो, लेकिन फाइबर आपका क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स और फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केमिकल रेजिड्यू। उसमें केमिकल रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो क्या करेगा वो, आपको बजाय फ़ायदे का नुकसान और कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है बेसिकली, इसमें क्या करता है, ये बेसिकली एल्कलीन हाइड्रोलिसिस करता है, और ख़ासकर से जो आपके इंसेक्टिसाइड होते हैं और जो मोस्टली आपके एसिडिक हर्बिसाइड होते हैं, आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गए, कार्बामेट्स हो गए, इसकी क्या कर देता है, ये इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देता है और इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जो पहले ये नुकसान पहुंचा रहा था वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट मेथड है, और आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो आपके वॉशिंग मेथड्स हैं, और नॉर्मली जो नॉर्मल टैप वॉशिंग है ना, टैप वाटर की वॉशिंग से जो एल्कलाइन वॉशिंग है, जो सॉल्ट बेस्ड वॉशिंग है, वो किस तरीके से ज़्यादा जो है वो आपके पेस्टिसाइड को रिमूव कर रही है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये जो है वो करीब 20% से ऊपर ज़्यादा इसको रिड्यूस कर रही है। और उसके साथ साथ अगर सॉल्ट के साथ में कुकिंग भी अगर इन्वॉल्व कर दे रहे हैं तो देख सकते हैं आप, तो उस केस में जो है ये 98% और 99 समथिंग ऊपर भी जाके क्या कर रहा है, ये पेस्टिसाइड को रिमूव कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक मेरा सजेशन है आपको कि आज से घर में जब जाएं आप और सब्ज़ी वगैरह आप बनवाएं, ठीक है ना, तो उसमें क्या करें, सबसे पहले मार्केट से सब्ज़ी ला के उसको सिंपली पहले टैप वाटर से वॉश करें, उसके बाद में उसको 2% जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा उसको डालें। एक सिंपल सा एक ले लें, एक बर्तन ले लें, उसमें एक चम्मच जो है सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दें, और उसमें करीब 15 मिनट तक, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है, जो ये आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा तक अगर आप समय देंगे उसको सोकिंग का, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, ज़्यादा पेस्टिसाइड रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक मेरा एक सजेशन है आपको कि आज के बाद कभी भी, एक तो शादी ब्याह में जितने भी आप फंक्शंस में जाते हैं तो सैलड से दूर रहिए आप, क्योंकि वहाँ पर प्रवचन तो दे ही सकते हैं प्रवचन देंगे तो कोई सुनेगा नहीं, तो लिहाजा ये है कि अपनी सेहत का ख्याल खुद करिए, तो वहाँ पर जो सैलड्स वगैरह उसको मत खाइए, क्योंकि वो जो है वो उस तरीके से प्रोसेस नहीं है। हाँ, आप अपने घर पर कर सकते हैं, ठीक है ना, घर पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो सॉल्ट वॉशिंग है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये करिए, और उसके बाद में फिर नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करके फिर आप उसको कुक करिए, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और इससे पहले कि हम यहाँ से रुखसत हों जाएँ, एक और ज़रूरी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आप अक्सर मैं जो प्रॉब्लम के बारे में चिल्लाते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि कुछ करना है या जो समाधान इसका ढूंढना है, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ में, मेरे कलीग हैं तो उनके साथ में ये कर रहा हूँ। तो ये आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीविका सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। तो जीविका एक स्टार्टअप है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी टीम के साथ में, और बहुत जल्दी ही मालिक ने चाहा इसकी एक वेबसाइट आपके सामने होगी जो बहुत जल्दी आपके साथ साझा की जाएगी, और आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेन हमारा जो काम कर्तव्य है ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, और जो नुकसान हो रहे हैं ह्यूमन हेल्थ को रिलेटेड टू फूड सिस्टम, उनको कम करने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करना है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना। तो आप सभी की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बने रहिए, और नेक्स्ट बहुत जल्दी ही एक नए इशू के साथ फिर हाज़िर होंगे, और एक समस्या उसके निवारण के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे डॉक्टर इरफान खान के साथ ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पर।